सेंटेंट्यूज डिग्री कॉलेज के एलुमिनाई एसोसिएशन द्वारा एग्रो कप क्रिकेट प्रतियोगिता का कॉलेज के ग्राउंड पर आयोजन किया गया, जो कि कॉलेज के एलुमिनाई खिलाड़ी व नए खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें एलुमिनाई खिलाड़ी विजेता व नए खिलाड़ी उप विजेता हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार ने विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि यह कॉलेज की बहुत अच्छी परंपरा है, जो हर वर्ष एलुमिनाई डे पर क्रिकेट मैच खेला जाता है, जिसमें शामिल हुआ और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एलुमिनाई खिलाड़ियों ने कप जीता। सभी विजय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। सभी विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इस अवसर पर सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के निवर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर JK लाल, डॉक्टर त्रिलोक रंजन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, जो हमारी वर्षों पुरानी परंपरा है, इसमें उपस्थित जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, लाइफ मेंबर्स और भी जितने लोग हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। टीम को कि प्लीज़ आकर लाइनअप हो जाए। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी एलुमनाई टीम, आप भी प्लीज़ आकर लाइनअप हो जाएं। धीरज कुमार आते रहें, जैसा मैं नाम ले रहा हूं। आनंद विश्वकर्मा, दीपू कुमार, सूर्य प्रताप दुबे, संस्कार मिश्रा, विशाल सिंह, अनुज गुप्ता, अर्जुन श्रीवास्तव, अतुल यादव जनोश जॉय, तो आप सब आपने जोश देखा। और राजवीर सिंह सर, श्री अजीत श्रीवास्तव सर, विनोद पाठक सर, गुरदीप सिंह सर, डॉक्टर अजय कुमार राय सर एंड राकेश। सर तापीत नीचे कर लीजिए, आ रहे हैं। सर सभी लोग विक्ट्री कर लेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। जैसा कि आप लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर एलुमनाई डे के दिन एक मैच खेलते हैं, बहुत अच्छी परंपरा है और उस परंपरा का भाग आपने मुझे बनाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये भी जान के अच्छा लगा कि कई सालों से ये मैच जो है हमारे एलुमनाई ही जीती रहे हैं और स्टूडेंट जो हैं उनको रेस्पेक्ट देते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। यहाँ भी मतलब एज ए क्रिकेटर मुझे दिख रहा है कि कौन जीता है वह, बट कौन किसको जिताया है, बट अच्छी बात है। जो अभी हमारे श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि ये जो परंपरा है, जो एक रेस्पेक्ट है अपने सीनियर्स के प्रति, यही ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है या एक आपको कहूँगा कि शिक्षा है जो कॉलेज देती है। और एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा
कल्चर डेवलप किया है स्कूल ने, एक रेस्पेक्ट का, एक रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने सीनियर्स को, अपने बुजुर्गों को, अपने अभिभावकों को रेस्पेक्ट करें, और वो रेस्पेक्ट उन्होंने यहाँ पे दी है, और एक अच्छे माहौल में ये परंपरा यहाँ चलती रही है। हर एक साल ये मैच होता है, आप लोग इकट्ठा होते हो और ये गेम खेलते हो। सेंट एंड्रयूज कॉलेज एक सेंचुरी से भी ज़्यादा पुराना कॉलेज रहा है, और एक बहुत ही मेरे ख्याल से इसके साथ ऐतिहासिक परंपरा और यादें जुड़ी होंगी। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ के निवासी होंगे, जो इस कॉलेज से जुड़े होंगे। हमारे साथ मेरे ही जनरेशन के साथी यहाँ खड़े हैं, मैं इनके साथ इंसिडेंटली पिछले संडे मैं यहीं पे मैच खेल रहा था, और इनमें से कईयों के साथ मैं भी क्रिकेट खेला हूँ यहाँ पर आने के बाद। तो मैंने देखा कि कई ऐसे यहाँ के जो छात्र हैं एक अच्छे सिटीजन्स के रूप में गोरखपुर में स्थापित हैं, और अच्छा नाम इस कॉलेज के रूप में इस शहर को भी दे रहे हैं, तो ये गौरव की बात है। सेंट्रल एंड्रयूज कॉलेज के पूरे अलुमनाई की है। देखिए, बहुत अच्छी परंपरा है सेंट एंड्रयूज कॉलेज के, हर वर्ष अलुमनाई डे पे अलुमनाई वर्सेस करंट स्टूडेंट मैच खेला जाता है। आज भी ये मैच हुआ, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ हमें बुलाया था। आज उनके साथ बैठने का मौका मिला और उनके इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य।